Hello dear students, welcome back to the GDC Live. So dear students, ESIC Pharmacist Marathon Series आपके साथ चल रही है, जहां पे हमने 5000 questions का proper explanation आपके साथ discuss करने का वादा किया था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके exam से पहले ये हम complete भी करेंगे. So चलिए उसी series में आज हम बात करने वाले हैं from the pharmacology, और topic होने वाला है the drug acting on the GIT, यानी gastrointestinal tract पे जो drug काम करती है उनसे related question. जरा GIT की अगर disease की बात करें तो क्या क्या आएगा पहले ये समझ लेना. अल्सर आएगा, एमिसिस आएगा, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, ये चार डिजीज से रिलेटेड की चीजें बात की जा रही है. करेक्ट. चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मॉर्निंग सिकनेस. मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है, जब प्रेग्नेंट लेडीज होती है ना, जब मॉर्निंग में उनको वोमिटिंग ज्यादा होती है उसको बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस. और उसके लिए हमारी सबसे अच्छी ड्रग डॉक्सिलामिन हमारी ड्रग आती है, दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मॉर्निंग सिकनेस. मैंने आपको तीन टाइप के मॉर्निंग सिकनेस बताए होंगे, मॉर्निंग सिकनेस डॉक्सिलामिन, लिख लीजिएगा मॉर्निंग सिकनेस डॉक्सिलामिन, मोशन सिकनेस हायोसिन या स्कोपोलामिन, एंड माउंटेन सिकनेस एसिटाजोलामाइड. ये तीनों सिकनेस लिख लीजिएगा, आगे और बात किया जाएगा. सो ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो गई, डॉक्सिलामिन इज द क्रॉनिक करेक्ट आंसर, जो मॉर्निंग सिकनेस के लिए प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो दी जाती है कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो वोमिटिंग होती है उनको रोकने के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज यूज्ड एज एन एंटी वर्टिगो एजेंट. एंटी वर्टिगो एजेंट मिनियस डिजीज भी बोला जाता है, जब लोगों को चक्कर आता है ना बिना किसी सिम्टम उसके प्रॉब्लम के, वो वर्टिगो की बात आती है, और उसके लिए सबसे बेस्ट ड्रग होती है सिनारेजिन, याद है ना. हाँ जी, तो अगर आप बात करोगे एंटी वर्टिगो ड्रग हमारी वन एंड ओनली वन, याद रखोगे आप सिनारेजिन. तो एक और जुड़ गई, मॉर्निंग सिकनेस, मोशन सिकनेस, माउंटेन सिकनेस एंड एंटी वर्टिगो, हमारी सिनारेजिन आ जाएगी. सो सिनारेजिन इनहिबिट द, अच्छा इसमें क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है, कभी कभी पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोक्वाइड डेरिवेटिव इनहिबिट द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्सियम आयन और इनहिबिट द लैबिरिंथ करके होता है. यस, सो दे आर मीडिएटेड थ्रू द लैबिरिंथिन रिफ्लेक्स सेंसरी, जो हमारे वेस्टिबुलर सेल्स में होते हैं ना उस पर भी काम करती है. तो दोनों को समझिएगा. Which of the following anti-emetic is also a prokinetic agent? हमारे जो anti-emetic drug होते हैं अलग अलग टाइप से, like H1 blocker है, M1 blocker हमारे आज, muscarinic antagonist हमारे वहां पे आ जाएंगे, 5-HT3 antagonist आएंगे वहां पे, वहीं पे हमारा एक आता है prokinetic agent. देखो prokinetic agent क्या होते हैं, जो GIT के peristalsis movement को बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के लिए ये तीन काम करते हैं. पहला, ये हमारे 5-HT4 के एगोनिस्ट होंगे, 5-HT3 के एंटागोनिस्ट होंगे, और D2 रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होगा. ये तीन प्रॉपर्टी होंगी. और अगर बात करोगे ड्रग का, सिसाप्राइड, मोसाप्राइड, टेगासेराइड, ये हमारी ड्रग आती है इस क्लास में. देखो प्रोकैलोप्राइड, हाँ इसमें 5-HT4 एगोनिस्ट प्रॉपर्टी है, लेकिन ये प्रोकाइनेटिक में हमारा नहीं, यहाँ पे इसको हम प्रोकाइनेटिक पे लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे एज सच, क्योंकि ये हमारा कहाँ जाता है, ये हमारा कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया में काम करता है. तो 5-HT4 एगोनिस्ट है, लेकिन ये हमारा परगेटी होता है, स्टिमुलेंट परगेटी होता है, तो इसको अलग कर देते हैं. डोमपेरिडोन, हाँ जी ये हमारा D2 ब्लॉकर है, 5-HT4 एगोनिस्ट है और 5-HT3 एंटागोनिस्ट है. डोमपेरिडोन, मेटाक्लोप्रामाइड, ये दोनों जरूर याद रखिएगा. प्रोमेथाजिन, नहीं ये एंटीस्टैमिनिक है. एप्रेपिटेंट हमारी क्या होती है, दिस इज द NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है. तो डोमपेरिडोन हमने क्या बोला जरा देख लीजिएगा, प्रोकाइनेटिक एजेंट, मेटाक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, ये मेरी ड्रग यहां पे आएंगी जो प्रोकाइनेटिक मेनली है. बाकी 5-HT4 एगोनिस्ट अगर से बोला जाए तब हाँ सीसाप्राइड, मोसाप्राइड, लिवोसल्प्राइड, ये हमारी ड्रग आ जाएंगी, ये केवल 5-HT4 एगोनिस्ट होंगी. लेकिन प्रोकाइनेटिक अगर मेनली पूछा जाए ना तो मेटाक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन ही आपको बोलना है. ओके, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एप्रेपिटेंट आर ट्रू एक्सेप्ट एप्रेपिटेंट एगोनिस्ट एट न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर. नहीं, देखो हमारे बॉडी में क्या होता है, सब्सटेंस पी बनता है जो पेन प्रोड्यूस कराता है, और वो एक्ट करता है NK1 रिसेप्टर पे, और उससे पेन होता है या वोमिटिंग वहां से होने लग जाती है पेन की वजह से. तो उसके लिए हम एप्रेपिटेंट या फर्स्ट एप्रेपिटेंट की बात करते हैं जो NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है. यहां क्या लिखा है, एगोनिस्ट लिखा है, जो गलत है. Crosses the blood-brain barrier, हाँ ब्रेन में काम करेगा. Metabolized by the CYP3A4 enzyme, बिल्कुल सही है, microsomal enzyme metabolism होता है. Ameliorate nausea and vomiting, हाँ जी chemotherapy में भी जो vomiting होती है उसमें भी ये काम कर सकती है. लेकिन पहला लाइन गलत था, और यही आपको फाइंड आउट करना था, ये एगोनिस्ट नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, ये एंटागोनिस्ट होते हैं. कहीं लिखा है, हाँ जी ब्लॉक द न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर, यानी एंटागोनिस्ट आएंगे.
Which drug react with gastric acid to form a floating raft of arsenic acid gel on the gastric acid pool? कौन सी ड्रग ऐसी है जिसको आप इंटेक करोगे तो arsenic acid gel फॉर्म होगा फ्लोटिंग फ्लैट पे? तो जरा समझो ना यार, ऑप्शन देखो, आंसर कितना प्यारा है। पेंटेप्राजोल नहीं करेगा, सोडियम एल्जिनेट, अरे सोडियम एल्जिनेट एल्जिनिक एसिड जेल बनाएगा कि नहीं बनाएगा HCl से रिएक्ट करके? जी सही है, सिमेटिडिन S2 ब्लॉकर है, नहीं करेगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, आपको पता है ना एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डायरिया कॉज करता है, तो यहां तो आपको सिंपल आंसर मिल गया, सोडियम एल्जिनेट विच इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट फॉर्म अ थिक फ्लोथी लेयर फ्लोट ऑन द शाफ्ट, दैट इज द एल्जिनिक एसिड डेरिवेटिव, वहीं से मिल गया। ओके, ranitidin is a, क्या है ranitidin? H2 blocker है, ranitidin, famotidin, cimetidin, ये सभी हमारी क्या है? H2 blocker है, furan ring containing H2 antagonist है, ESIC 2016 का question भी है, बड़ा easy सा था, H1 पे नहीं, beta पे नहीं, alpha पे नहीं, H2 antagonist है, cimetidin, ranitidin, famotidin, roxatidin, हाँ tidin वाली class की drug जितनी भी आएंगी, जैसे prazole पे चलेंगे, omeprazole, lesoprazole, isomeprazole, pantoprazole, rabeprazole, वो सब हमारे पीपीआई होती है, लेकिन टिडिन में चलेंगे तो S2 ब्लॉकर आएंगे। ड्रग सप्रेशिंग नाउजिया एंड वोमिटिंग आर, वो ड्रग जो नाउजिया एंड वोमिटिंग को सप्रेस करते हैं, घटाते हैं, क्या कहलाते हैं? कितना इजी क्वेश्चन, एंटी इमिटिक एजेंट कहलाएंगे कि नहीं? हाँ जी, दीज आर कॉल्ड एज द एंटी इमिटिक ड्रग कहलाते हैं, ये हमारे एंटी इमिटिक में आएंगे, और ये कौन कौन सी क्लास में? एंटी कोलिनर्जिक, H1 एंटीस्टैमिनिक, D2 ब्लॉकर, प्रोकाइनेटिक ड्रग, 5-HT3 एंटागोनिस्ट, हाँ ये नाउजिया एंड वोमिटिंग में काम करने वाली एंटी इमिटिक ड्रग है। एजेंट यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग एसिडिटी इन स्टमक इज टर्म्ड एज, जो एसिडिटी को रिड्यूस करेंगे क्या कहलाएंगे? एंटासिड कहलाएंगे ना, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे एंटासिड कहलाएंगे, बिल्कुल कहलाएंगे। एसिडिफायर जो एसिड एसिडिटी को बढ़ाए, प्रोटेक्टिव जो प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करे, एड्सॉर्बेंट जहां एड्सॉर्प्शन हो, लेकिन एंटासिड जो एसिड को न्यूट्रलाइज करे और एसिडिटी को घटाए, वही तो कहलाएंगे। दो टाइप के होते हैं, सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक एंटासिड आते हैं। एन ऑर्गेनिज्म विच हैज बीन इंप्लीकेटेड एज अ पॉसिबल कॉज ऑफ द क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस एंड अल्सर, वैसे अल्सर की बात करोगे तो आपको पता है मेनली HCl के सिक्रीशन बढ़ने की वजह से अल्सर होता है, लेकिन कभी कभी ये जो हाइपर एसिडिटी होती है ना, ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से भी हो जाता है। सो एच पाइलोरी कहीं दिख रहा है क्या? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है, और ये भी हमारा हाइपर एसिडिटी कॉज करा के पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्राइटिस कॉज कराता है, म्यूकोजल लेयर को डैमेज करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज, क्या है? बेबी फूड सप्लीमेंट नहीं, लैक्सेटिव हाँ, एंजाइम प्रिपरेशन, एंटी ट्यूबरकुलर नहीं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारा लैक्सेटिव एजेंट होता है, क्यों? मैग्नीशियम क्या कराता है? डायरिया, और डायरिया कराता है यानी हमारा इसको हम यूज कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन में, तो लैक्सेटिव के रूप में यूज होता है। यस, हमारा यहाँ पे देखोगे ना इस हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऑस्मोटिक परगेटिव के रूप में काम करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किसी भी फार्मासिस्ट प्रिपरेशन के लिए दीज आर द टू बुक्स जो सबसे ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, थियरी फिंगर फार्मासिस्ट एट योर फिंगर टिप्स एंड ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एट योर फिंगर टिप्स, जहां पे कंप्लीट सिलेबस विद इन लिमिटेड टाइम में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो गो फॉर दिस बुक फ्रॉम द GDC क्लासेस ऐप, डेफिनेटली आपको इससे इंप्रूवमेंट मिलेगा। Which of the following drug act as the ulcer protective agent? Ulcer का classification देखते हैं तो वहां पे हम पढ़ते हैं secretion acid synthesis inhibitor या antacid synthesis inhibitor में अलग अलग classes हमारी आती हैं। जैसे हम बात करेंगे H2 blocker, proton pump inhibitor, prostaglandin analog, M1 inhibitor, वैसे ही दो classes और आती हैं, ulcer protective and हमारा आता है anti H pylori। ulcer protective में दो drug आती हैं, sucralfate and कोलोइडल बिस्मथ सबसिलिकेट। अब आंसर देखना, सोडियम सिट्रेट दिस इज द एंटासिड, ये नहीं होगा। एम्ब्रेक्सोल हमारा क्या होता है? एक्सपेक्टोरेंट होता है, यहां तो आएगा ही नहीं। सुक्रालफेट यस, सिमेटिडिन क्या है? H2 ब्लॉकर। तो करेक्ट आंसर इज द, अगर आपसे पूछा गया हमारा अल्सर प्रोटेक्टिव, सुक्रालफेट एंड कोलोइडल बिस्मथ सबसिलिकेट क्लास की ड्रग हमारी यहां पे आती है।
द ग्रिपिंग एक्शन ऑफ लैक्सेटिव रिड्यूस्ड बाय, जब लैक्सेटिव यूज किए जाते हैं ना तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्या? फ्लॉटुलेंस की, गैस ज्यादा इवॉल्व होती है और उसी गैस इवॉल्वेशन को कम करने के लिए हमारे लैक्सेटिव एजेंट के साथ में क्या यूज किए जाते हैं, कार्मिनेटिव, जो क्या करते हैं गैसेस को इनहिबिट कर देते हैं. सो यस, कार्मिनेटिव, कार्मिनेटिव दीज आर द एजेंट विच रिड्यूस द फ्लॉटुलेंस और इसीलिए लैक्सेटिव प्रॉब्लम में गैस इवॉल्व गैसेस इवॉल्यूशन का प्रॉब्लम होता है और उसी के लिए हम यहाँ पे हर्ब्स कार्मिनेटिव यूज करते हैं विच फैसिलिटेट द एक्सपल्शन ऑफ गैस फ्रॉम द जीआईटी और ग्रिपिंग एक्शन नहीं होगा. 5-HT3 एंटागोनिस्ट यूज्ड एज एंटी इमिटिक एजेंट. 5-HT3 रिसेप्टर, ये सेरोटोनिन का एक ऐसा रिसेप्टर होता है जो लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर होता है और इसकी दो ड्रग इसकी इनहिबिटर आती है, दैट इज द ओंडेनसेट्रॉन और ग्रैनिसेट्रॉन, जो बहुत बेहतरीन हमारी एंटी इमिटिक ड्रग होती है. इवन अगर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग की बात किया जाएगा तो हाँ 5-HT3 एंटागोनिस्ट ही यूज करते हैं, ओंडेनसेट्रॉन और ग्रैनिसेट्रॉन. कहीं नाम दिख रहा है क्या, ए आंसर दिख रहा है क्या? हाँ जी, ओंडेनसेट्रॉन इज द करेक्ट आंसर. 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है और एक हमारी ग्रैनिसेट्रॉन भी होती है जो हमारे यहाँ पे यूज की जाती है, वो मोर पोटेंट होती है, 8 to 15 times मोर पोटेंट. Which of the following is most effective in inhibiting gastric acid secretion? अगर HCl secretion के inhibition की बात किया जाए ना तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव वहां पे कौन सी होती है, PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर. अब अगर इन ऑप्शंस में आप देखो तो आपको मेप्राजोल दिख रहा है क्या, सबसे ज्यादा इफेक्टिव तो यही होगा क्योंकि ये मेन चैनल है ना, बाकी सब तो छोटे छोटे हमारे होते हैं, चाहे रेनिटिडिन S2 ब्लॉकर, फेमोटिडिन S2 ब्लॉकर या पाइरेंजेपिन M1 ब्लॉकर की बात करोगे, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर फास्टर एक्टिंग होते हैं और पोटेंट हमारे होते हैं. सिसाप्राइड बिलोंग टू द क्लास ऑफ, किस क्लास में, 5-HT4 एगोनिस्ट हमारे होंगे, तो 5-HT एंटागोनिस्ट, H1 एंटीहिस्टामिनिक न्यूरोलेप्टिक नहीं, 5-HT4 एगोनिस्ट है तो प्रोकाइनेटिक एजेंट हमारी कहलाएगी. वैसे सिसाप्राइड में एक प्रॉब्लम ये भी होती है, ये क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग करती है, टॉर्सेट डी पॉइंट कॉज करती है, इसलिए थोड़ा सा इसको कीटोपेनाजोल वगैरह के साथ क्या किया जाता है, हमारा कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है. सो सिसाप्राइड दैट इज द 5-HT4 एगोनिस्ट हमारी होती है, लेकिन प्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टी तो है ही है ना. Which of the following is not a proton pump inhibitor? कौन सा proton pump inhibitor नहीं है? Omeprazole, rabeprazole, pentaprazole, esomeprazole, lansoprazole, कुछ याद आ रहे? देखो, famotidine नहीं है, omeprazole, pentaprazole, lansoprazole, हाँ ये PPI है, famotidine हमारी S2 blocker है, इतना easy question है, इसमें तो आपको time लेना भी नहीं चाहिए कुछ सोचने के लिए. Astringent are the compound which precipitate the protein. जैसे आपने कभी फिटकरी यूज किया है, स्किन पे किया जाता है ना एलम, हाँ एस्ट्रिंजेंट होते हैं, वो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं. प्रिवेंट कॉन्टैक्ट ऑफ स्किन विद सराउंडिंग, सॉफ्टन द सॉफ्ट, सूदन द सॉफ्टन स्किन, डिसॉल्व, नहीं, प्रेसिपिटेशन ऑफ द प्रोटीन. एस्ट्रिंजेंट क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन करते हैं, इसलिए अल्कलॉइड के साथ जब एस्ट्रिंजेंट दिया जाता है तो वहां पे प्रेसिपिटेशन हमारा हो जाता है. विच सिंक और कॉन्स्टिक बेडी टिश्यूज एंड मेनली प्रेसिपिटेट द प्रोटीन. जब भी लोकल कोई इंजरी होती है, जब कभी जैसे सेविंग करते हुए कट जाता है ना, तो एलम से वहां पे क्या कर देते हैं, प्रोटीन प्रेसिपिटेट किया जाता है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टिमुलेंट पर्गेटिव एक्सेप्ट. जब आप कॉन्स्टिपेशन के लिए ड्रग याद करते हो तो वहां पे हमारे अलग अलग ड्रग आती है, जिसमें से हमारा एक होता है स्टिमुलेंट पर्गेटिव, एक ऑस्मोटिक पर्गेटिव होता है, लैक्सेटिव वगैरह भी आएंगे. लेकिन अगर मैं बात करूं, देखो, बिस्कोडिल स्टिमुलेंट पर्गेटिव है, कैस्टर ऑयल पर्गेटिव है, सेना भी हमारा स्टिमुलेंट पर्गेटिव है, लेकिन लिक्विड पैराफिन की बात करेंगे तो ये हमारा स्टिमुलेंट पर्गेटिव नहीं है, ये हमारा स्टूल सॉफ्टनर है, स्टूल को सॉफ्ट करता है. डॉस एंड लिक्विड पैराफिन स्टूल सॉफ्टनर है. बाकी आप देखो, विस्कोडिल डाइफिनाइल मीथेन क्लास की ड्रग है, सेना एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड हमारा होता है, कैस्टर ऑयल फिक्स्ड ऑयल होता है, 5-HT4 एगोनिस्ट प्रोकैलोप्राइड हमारा होता है. तो हाँ, ये हमारे अलग अलग हैं, लेकिन ऑस्मोटिक परगेटिव मींस स्टिमुलेंट परगेटिव तो नहीं है लिक्विड पैराफिन, वो क्या होती है, हमारे स्टूल सॉफ्टनर होती है. साइट ऑफ एक्शन फॉर एंटीमिटिक, एंटीमिटिक कहां काम करेंगे, दो ही सेंटर पे तो काम करेंगे, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेयर, CTZ एंड NTS पे, बेशल गैंग्लिया नहीं, स्पाइनल कॉर्ड नहीं, CTZ हाँ, सेरेब्रल हेमिस्फीयर बिल्कुल भी नहीं, CTZ पे हमारी एंटीमिटिक ड्रग काम करेंगी जो फर्दर हमारे जो वोमिटिंग सेंटर होता है मेडुला ऑब्लॉगेटा में उसको इनहिबिट करते हैं. और इसीलिए तो बोला जाता है CTZ सेंटर इज आउट ऑफ द ट्रिपल बी के बाहर होता है, इसीलिए अगर हमारी कोई बैड स्मेल या बैड कभी कभी हमारा बैड स्मेल से भी वोमिटिंग हो जाती है.
ड्रग ऑफ चॉइस इन मोशन सिकनेस, अभी तो हमने बोला था मॉर्निंग सिकनेस पहला क्वेश्चन था, ये मॉर्निंग मोशन सिकनेस है, इसके लिए क्या हायोसिन, हायोसिन यानी स्कोपोलामिन, तो करेक्ट आंसर इज द बी, यस स्कोपोलामिन इज द करेक्ट आंसर फॉर द मॉर्निंग मोशन सिकनेस। अगर किसी को ट्रेवल के टाइम पे वोमिटिंग ज्यादा होती है ना, हायोसिन दे दीजिए, स्कोपोलामिन दे दीजिए, डेफिनेटली उसको कंट्रोल हो जाएगा। एंट एसिड एक्ट बाय न्यूट्रलाइजिंग द एसिड, डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ HCl इन स्टमक, न्यूट्रलाइजिंग द गैस्ट्रिक HCl कंटेंट, सोडियम पोटेशियम एटीपेज, ऑल ऑफ देम बिल्कुल भी नहीं, बी आंसर करेक्ट है, क्योंकि एंट एसिड क्या करते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। दो टाइप के होते हैं, सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक होते हैं। सिस्टमिक ब्लड में जाके काम करते हैं, तो समटाइम्स देयर इज चांसेस ऑफ द एसिडोसिस कॉज करने, एल्कलोसिस कॉज करने के चांसेस हो जाते हैं, मेटाबोलिक एल्कलोसिस कॉज हो जाता है, इसलिए कोशिश किया जाता है सिस्टमिक एंट एसिड नहीं दिया जाता है, नॉन सिस्टमिक एंट एसिड दिया जाता है जो ब्लड में एब्सॉर्ब नहीं होता है। सिस्टमिक एंट एसिड, अब जरा यही देख लो, सोडियम डेरिवेटिव जो है वो सिस्टमिक है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, जरा आंसर देखना। बाकी एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम डेरिवेटिव जितने भी हैं, कैल्शियम डेरिवेटिव जो भी हैं, वो हमारे नॉन सिस्टमिक होते हैं। सो सिस्टमिक पूछा गया है तो सोडियम बाइकार्बोनेट लगाइए ना, क्या ही दिक्कत है, सिस्टमिक सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, नॉन सिस्टमिक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मेगाहाइड्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारे सभी क्या होते हैं, नॉन सिस्टमिक। H2 blocker are given for the duodenal ulcer for the period of, अब duodenal ulcer, ulcer अगर कोई भी होगा तो drug of choice PPI ही होगा, normally उसको 8 week तक कम से कम दिया जाएगा, हाँ जी 8 से 10 week के, 6 से 8 week up to the 10 week तक दिया जाता है, जब आप PPI की बात करोगे as ulcer के cases में, and mainly in the case of the duodenal ulcer के cases में, तो इतना देना ही पड़ेगा। Which prostaglandin is used in NSAID induced ulcer, वैसे NSAID induced ulcer की drug of choice तो PPI, लेकिन आपसे पूछा गया prostaglandin used in NSAID induced ulcer, तो एक ही आएगा, misoprostol आएगा, करेक्ट है, PGE1 analog misoprostol की बात करेंगे, जो NSAID induced ulcer में हमारा prostaglandin analog यूज किया जाता है, E1 receptor की हमने पहले बात किया। चाहे अल्सर हो, चाहे जेडीएस हो, चाहे जीईआरडी हो, इन तीनों की ड्रग ऑफ चॉइस कभी भी पूछा जाएगा तो पीपीआई ही याद आएगा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द जॉलिंगर इल्सन सिंड्रोम, क्या बोलोगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, कोई कंफ्यूजन मत में मत रखिएगा, सीधे आंसर करिएगा, जॉलिंगर इल्सन सिंड्रोम, जो एक रेयर कंडीशन होती है जहां पे क्या होता है, पैंक्रियाज में ट्यूमर ग्रो होने लगता है, गैस्ट्रिनोमा जिसको बोलते हैं, और उसकी वजह से जब हमारा आता है वो जॉलिंगर इल्सन सिंड्रोम। Accelerated osteoporosis among elderly patient has been associated with, हमने बोला PPI drug of choice है, लेकिन अगर आप लगातार long duration तक use करोगे, और खासतौर पर older person में, तो osteoporosis होने के chances PPI के साथ बन जाते हैं, इसलिए ज्यादा duration तक use नहीं किया जाता, खासतौर पर omeprazole उसमें भी, उसमें और ज्यादा side effect है, gynecomastia भी cause करती है, menstrual irregularities भी cause करती है, तो इसलिए उसको थोड़ा अवॉइड किया जाता है। वैसे PPI में मिनिमम एडवर्स इफेक्ट है, सेफ ड्रग है, लेकिन कभी कभी एल्डरली पेशेंट में एक्सेलरेटेड ऑस्टियोपोरोसिस कॉज कर देती है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द डायरिया इन HIV, अगर HIV में किसी पेशेंट को डायरिया हुआ, पेशेंट HIV का है, डायरिया हुआ, अब आप क्या ड्रग दोगे, लोपेरामाइड, सोमेटोस्टैटिन, कोडीन और ऑक्ट्रियोटाइड, जरा सुनना, यहां पे हम D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पे जाएंगे, खासतौर पर ग्रोथ हार्मोन एंटागोनिस्ट हमारा D2 एगोनिस्ट पे जाएंगे, दैट इज द ऑक्ट्रियोटाइड पे जाएंगे, ये स्पेशल केस है, ऑक्ट्रियोटाइड हैज द पोटेंट एंटी सिक्रेटरी एंटी मोटिलिटी एक्शन GIT में देखने को मिलता है, और अगर पेशेंट में एड्स के साथ में डायरिया हो रहा है तो ऑक्ट्रियोटाइड प्रेफर किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोन पंप इनहिबिटर हैज एंजाइम इनहिबिटरी एक्टिविटी, एक और इकलौती ओमेप्राजोल, ओमेप्राजोल में एंजाइम इनहिबिटर यानी माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटरी एक्टिविटी होती है, इसीलिए थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर दिया गया, यूज कम कर दिया गया है, बाकी तो सभी हमारी अच्छी है, पोटेंट है, लेकिन अगर बात करोगे ओमेप्रा से अच्छी, पेंटोप्रा से अच्छी, रेमेप्रा, हाँ इनमें थोड़ा सा हमारी एक्टिविटी इंक्रीज होती गई है। द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज यूज्ड टू स्टिमुलेट एपेप्टाइड इन एड्स विद एनोरेक्सिया, तो मान लो कोई एड्स का पेशेंट है, उसको भूख नहीं लग रही है,
तो कैसे उसको पेप्टाइड को स्टिमुलेट किया जाए, उस केस में वहां पे एक अलग ड्रग, हमारी नई ड्रग है ड्रोनाबिनॉल दिया जाता है। उसके लिए स्पेशल केसेस में हमारी ये ड्रग आती है, ड्रोनाबिनॉल की बात करते हैं, विच स्टिमुलेट द पेप्टाइड इन द पेशेंट दैट हैविंग द रिड्यूस्ड और इनहिबिट एनोरेक्सिया, जिसमें भूख नहीं लग रही है, उस केस में इसको वंस हमारा दिया जाता है, वंस डेली दिया जाता है, 2.5 mg दिया जाता है, ताकि उसमें भूख लगने की क्वालिटी आ जाए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म प्रॉपर बॉडी इफेक्ट नहीं कर रही है, इस वजह से प्रॉब्लम चल रही है। गाइनकोमेस्टिया कैन अकर्स एज द साइड इफेक्ट ऑफ सिमेटिडिन, H2 ब्लॉकर में सिमेटिडिन गाइनकोमेस्टिया, PPI में ओमेप्राजोल गाइनकोमेस्टिया देखने को मिलेगा। सो करेक्ट आंसर इज द सिमेटिडिन। और ये रहे आज के क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ द GIT। आई होप ये सिंपल क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आपने अपने प्रिपरेशन को इंप्रूव किया होगा। सो आज के सेशन तक यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।